इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं ललितपुर लाइव टीवी। ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6वीं बैठक जारी है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है, इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। विधानसभा में विपक्ष ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब में तीखा पलटवार किया। किसी विपक्षी दल का नाम लिए बिना बोले कि कृषि कानूनों से किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। किसान संगठन तो कई बार समर्थन कर चुके हैं, दिक्कत बिचौलियों को है क्योंकि अब पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। किसानों के आत्मसम्मान में शहीद भगत सिंह के चाचा और पगड़ी संभाल आंदोलन के संस्थापक अजीत सिंह की याद में मोर्चा ने इस दिन को मनाने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के दौरान दर्ज मामलों में दिल्ली पुलिस प्रवासी मजदूरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इन मामलों में कोर्ट में अंटरेस्ट रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, यानी दिल्ली पुलिस कोर्ट में रिपोर्ट देगी कि उसे दर्ज मामले में कोई आरोपी व्यक्ति नहीं मिला। इस तरह कोर्ट में केस खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। राज्य में एक्टिव मामले करीब 29% तक बढ़ गए। वहीं अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मुंबई के लिए अगले 15 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे। मुंबई प्रशासन लगातार शहर में सख्ती कर रहा है। वहीं नागपुर में पाबंदियों का दौरा वापस आ गया है। यहां होटलों को 50% क्षमता से चलाने की अनुमति मिली है। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है। लखनऊ यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया है कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कराकर 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव कराएं। हाईकोर्ट ने कहा कि 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव करा लें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने ब्लॉक स्तर पर आरक्षण तय कर दिया है। भारत विदेशी राजनयिकों के जम्मू कश्मीर दौरे के जरिए पाकिस्तान के आतंकी भूमिका की पोल खोलना चाहता है। 24 देशों के राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर का दौरा कर यहाँ हो रहे विकास कार्यों व जमीनी हकीकत का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि विदेशी राजनयिकों ने श्रीनगर स्थित चिनार कॉर्प्स हेडक्वार्टर का दौरा किया। यहाँ उन्हें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थितियों के साथ ही भारी खतरों की भी जानकारी दी। कश्मीर बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबराय को बिना हेलमेट और मास्क लगाए मोटेरा के सरदार पटेल स्टेडियम में एलईडी फल्ड लाइट लगाई गई है, जो महाराष्ट्र के इस स्टेडियम में भारत पुलिस और पुलिस महानिदेशक से शुरू हो रहा है। आगामी डे नाइट टेस्ट मैच के दौरान हवा में गेंद को आसानी से देखा जा सकता है। गुजरात क्रिकेट आईपीएल की फ्रेंचाइजी अनिल पटेल ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में 11 सेंटर पिच है और इसके साथ जिम सहित 4 नॉक आउट स्टेज के मैच। यदि आज की 10 बड़ी खबरें इस तरह की खबरें आज की 10 12 देने के लिए हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।